हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे H3B पैकेट पे फाइल को अपलोड कैसे करते हैं और उसे फेच कैसे करते हैं। जितने भी फाइल्स अपलोडेड होंगे H3B पैकेट पे उन्हें हम फेच भी करेंगे और पर्टिकुलर फाइल्स को हम लोग डिलीट भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे। तो पहले हम एक टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे npm init। तो प्रोजेक्ट जो है वो कुछ डिटेल्स मांगेगा, तो आप जस्ट एंटर एंटर प्रेस कर दें तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको लेफ्ट साइड में पैकेज डॉट जेसन का एक फाइल दिखेगा। इसके बाद हम कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे अपने नोड जेएस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे npm i जो पहला डिपेंडेंसी होगा वो होगा aws sdk। उसके बाद जो डिपेंडेंसी हम यूज करेंगे वो होगा मल्टर फाइल अपलोड के लिए और aws sdk कम्युनिकेट करने के लिए हमारे AWS सर्वर से। फिर हम यूज करेंगे मल्टर S3 और फिर हम लोग यूज करेंगे नोडमोन। जो नोडमोन डिपेंडेंसी है वो हमारे सर्वर को बार बार रिस्टार्ट करेगा और एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे लिखे हैं सारे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे डिपेंडेंसीज हमारे ऐड हो चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए हम जाएंगे पैकेज डॉट जेसन फाइल में और आप यहाँ पे देख सकते हैं AWS SDK मल्टर मल्टर S3 नोड मोन जो पैकेज है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और मल्टर S3 जो है इसका जो वर्जन है 3.0.1 है, तो हम लोग कम वाले वर्जन को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे मल्टर S3 2.10.0 npm कमांड। तो यहाँ पे आपको npm पैकेज मिलेगा, इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने पे आपको राइट साइड में npm i मल्टर S3 2.10.0 दिखेगा। इसको आप कॉपी करें यहाँ से। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में यहाँ पे पेस्ट कर दें और एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम जाएंगे पैकेज डॉट जेएसएन पे और चेक करेंगे जो मल्टर S3 का वर्जन है वो 2.10.0 हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, वो होगा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। और फिर से हम पैकेज डॉट जेएसएन को ओपन करेंगे और ये स्क्रिप्ट में जो टेस्ट लिखा हुआ है टेस्ट के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे स्टार्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे नोडमोन और जिस फाइल को हम रन कराना चाहते हैं तो हम हमारा जो कोड होगा वो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में होगा। तो हम इसी फाइल को रन कराना चाहेंगे तो इंडेक्स डॉट जेएस हम यहाँ पे लिखेंगे पैकेज डॉट जेएसएन में और इसे हम क्लोज कर देंगे सेव करके। और इंडेक्स डॉट जेएस में हम कंसोल जस्ट चेक करने के लिए लगाएंगे और सेव कर लेंगे। और फिर टर्मिनल को हम ओपन करेंगे और लिखेंगे npm स्टार्ट। तो देखिए ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और ये कंसोल भी प्रिंट हो चुका है, मीन्स हमारा नोड जेएस का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो इसके बाद हम ब्राउजर पे जाएंगे और AWS के वेबसाइट को ओपन करेंगे। आप AWS के वेबसाइट को ओपन करके उस पर रजिस्टर करके लॉगिन कर लीजिए। ठीक है,
मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके लॉगिन करके रखा है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है IAM, तो इसके जरिए हम अपने यूजर को क्रिएट करेंगे। ये लेफ्ट सेक्शन में आपको यूजर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो राइट सेक्शन में आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और एक बटन दिखेगा क्रिएट यूजर का। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। तो यूजर नेम हमको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, तो मैं यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ। तो यूजर नेम मैंने रोज खरीदो रखा है, और यहाँ पे आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना होगा, और फिर यहाँ पे आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को कस्टम पासवर्ड वाले को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपने यूजर नेम का, जैसे कि मेरा यूजर नेम अभी रोज खरीदो है, तो मैं इसका पासवर्ड, ये जितने भी क्रेडेंशियल्स मैं बना रहा हूँ इस समय, इस वीडियो के बाद डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इस पे चार्ज लगता है अगर मैं इसे गिटहब पे प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे पासवर्ड मैंने रोज खरीदो @123 रख लिया है, और मैंने सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूजर। ओके, तो आपको राइट सेक्शन में एक नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इसको जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से नेक्स्ट का बटन दिखेगा। लेकिन इससे पहले आपको जो परमिशंस ऑप्शन है, इसमें हम थर्ड वाले को सेलेक्ट करेंगे। आप फर्स्ट वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड वाले में हमें कुछ परमिशंस इनेबल करने होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S3, और S3 को लिखने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, Amazon S3 फुल एक्सेस। तो हम इसे फुल एक्सेस देना चाहते हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड में आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास खुल जाएगा रिव्यू एंड क्रिएट का एक फॉर्म। फिर हम यहाँ पे क्रिएट यूजर वाले बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है, तो इस वाले को हम यहाँ, इस वाले यूजर नेम एंड पासवर्ड को हम कहीं पे रख लेंगे। तो यूजर नेम है हमारा रोज खरीदो, और जो पासवर्ड है वो है रोज खरीदो @123। तो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड को रख लिया है, और हमारा यूजर भी क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे रिटर्न टू यूजर लिस्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका CSV फाइल, लेकिन मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न टू यूजर लिस्ट को जा रहा हूँ क्लिक करने के लिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हम IAM के टैब पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद आपको ये जो रोज खरीदो लिखा है इसको जस्ट क्लिक करना है। अगर आपका दूसरा नेम है तो उसको आपको क्लिक करना है, और फिर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पे जो जो परमिशंस को हमने इनेबल किया है वो परमिशंस हमें यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। और राइट साइड में आपको एक एक्सेस की दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की का ऑप्शन है, इसको जस्ट हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक्सेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अल्टरनेटिव्स का ऑप्शन आएगा। तो जो लास्ट का ऑप्शन है अदर्स, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले बटन पे, और यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैं जस्ट माय रोज खरीदो लिख रहा हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की का एक बटन है, उसको जस्ट हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे इम्पोर्टेंट एक्सेस हैं, ओके। तो जो एक्सेस की है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, और इसको भी हम लोग संभाल कर कहीं रख लेंगे। तो ये हमारा एक्सेस की हो गया। इसी तरीके से हमारे पास सीक्रेट की है, तो सीक्रेट की को भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके रख लेंगे।
फिर हमारे पास डन का ऑप्शन दिखेगा राइट साइड में, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का अगर आपको पॉपअप आता है तो आप जस्ट से प्रेस कंटिन्यू कर दें, एंड देन ये हमारा यूजर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और फिर S3 सर्च करेंगे। S3 सर्च करने के बाद इस वाले सेक्शन में इसको हम लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हमारा S3 का जो बिट बकेट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको क्रिएट बिट बकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे AWS रीजन दिखेगा, तो रीजन में आपको ये एशिया पैसिफिक मुंबई सिलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडिया से ही हैं तो, या फिर अपने अकॉर्डिंग रीजन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बकेट नेम एक क्रिएट करना होगा, तो जो बकेट नेम है आप बकेट नेम कुछ भी रख सकते हैं, तो इस बकेट नेम को अभी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो ये हमारा बकेट नेम है, और इसके बाद हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन में, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर द बकेट, तो इसे हम अनसेलेक्ट कर देंगे, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को। फिर हमें ये एक्नॉलेज करने का एक चेकबॉक्स दिखेगा, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जस्ट क्रिएट बकेट वाले को क्लिक कर देंगे बटन को। ओके, तो देखिए हमारे पास एरर आ रहा है, तो जो बकेट नेम है इसे मैं पूरे को स्मॉल भी कर देता हूँ, और फिर मैं क्रिएट बकेट को क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारा बकेट जो है वो क्रिएट हो रहा है, और ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे रोज खरीदो का ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा बकेट है, तो इसे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी हमारा अपलोडेड फाइल्स है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मैं एक फाइल को अपलोड करके चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस वाले बटन को मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे ऐड फाइल का एक बटन है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पे आपके ये पॉपअप खुल जाएगा, तो आपको अपने सिस्टम से कोई फाइल को सिलेक्ट करना है, तो मैं एक फाइल को सिलेक्ट मैंने कर लिया है। ओके, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्टेड फाइल आपको दिखेगा, फिर नीचे आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद देखिए अपलोड सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अपलोड सक्सेस हो चुका है, उसके बाद हम लोग इसे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन को। ठीक है, फाइल्स एंड फोल्डर को, फिर आपको यहाँ पे बकेट्स का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा बकेट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, इसे जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा फाइल दिख रहा है जो भी अपलोड हुआ है। ठीक है, देखिए पहले जो है हमारा, हमने एक बकेट क्रिएट किया था, बकेट के अंदर में हमने एक फाइल को अपलोड किया। ठीक है, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये जो है हमारा बकेट है रोज खरीदो, तो इसके अंदर में हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। इंटरफेस मिलने के बाद आपको राइट साइड में अपलोड का बटन मिलता है, इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। फिर यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको फाइल चूज करने का एक ऑप्शन मिलता है, तो कोई भी फाइल को आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नीचे अपलोड का बटन दिखेगा, इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये अपलोड कर देता है हमारे फाइल को। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारे पास नया टैब खुलता है, तो पिछले वाले टैब को मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, और फिर हम जाएंगे बकेट वाले ऑप्शन पे, बकेट पे जाएंगे तो हमारा बकेट दिखेगा, इसे हम क्लिक करेंगे तो दो फाइल दिखेंगे जो हमने अपलोड किया है, दो फोटोज को। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो फाइल है वो अपलोड हुआ है और इसे परमिशन है या नहीं, तो किसी भी फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे।
तो मैं किसी पे भी क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि नीचे वाले को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने नीचे वाले को क्लिक किया तो ये इस तरीके का पेज खुला। राइट साइड में आपको एक ऑब्जेक्ट यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट यूआरएल में हमारे इमेज का पाथ होता है, तो इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइल डज नॉट अपीयर करके ऑप्शन आ रहा है। तो फिर से हम यहाँ से बैक कर लेंगे, मीन्स हमें परमिशन अभी नहीं है। तो फिर से हम बकेट में जाएंगे, बकेट में जाने के बाद अपने बकेट को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे हम क्लिक करेंगे। तो परमिशन में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको बकेट पॉलिसी का एक ऑप्शन दिखेगा और राइट साइड में एडिट का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे एडिट वाले ऑप्शन को। एडिट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके का एक एडिटर खुलेगा बकेट पॉलिसी के अंदर में। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो कोड है उसको पेस्ट करना होगा, ठीक है। ये वाला जो कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ओके। तो इसको पेस्ट करने के बाद ये राइट साइड में आपको सेव चेंजेस का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग तो देखिए एरर आ रहा है। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें अपने बकेट का नेम प्रोवाइड करना होगा, तो बकेट का नेम जो है ये गलत है। तो ये जो रोज़ खरीदो है ये हमारा बकेट का नेम है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका लिखा हुआ होगा, जो भी आपने बकेट का नाम डाला होगा वही यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने बकेट का नेम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस बार सेव हो जाएगा सक्सेसफुली एडिटेड बकेट पॉलिसी, और हमारा जो पॉलिसी है वो ऐड हो चुका है। अब हम ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे और फिर से किसी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे ऑब्जेक्ट यूआरएल में जाके ओपन करेंगे। तो देखिए इस बार इमेज हमारा ओपन हो चुका है। अब फिर से बैक जाएंगे और जो नेक्स्ट इमेज था उसे हम क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट यूआरएल में जाके इसे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा इमेज जो है वो प्रॉपरली एक्सेस हो पा रहा है, मीन्स अभी हमारा जो सेटअप है S3 बकेट का वो अच्छे से हो चुका है, ठीक है। तो जस्ट अभी बकेट में जाएंगे और फिर रोज खरीदो बकेट को सिलेक्ट करेंगे। अभी दो इमेजेस अपलोडेड है। अब चलते हैं अपने API की ओर। पहले हम नोड जेएस से API क्रिएट करेंगे और नोड जेएस के API से हम लोग फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जो फाइल अपलोड हो जाएगा हम लोग उसे एक्सेस करेंगे API से ही, नोड जेएस के API से ही, ठीक है। तो पहले मैं अपने गिटहब को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा गिटहब है। इस वाले गिटहब पे आप रिपोजिटरी सेक्शन में जाएंगे और आपको सर्च करना है S3 इमेज अपलोड एंड फेच नोड जेएस। ये अभी ऊपर दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी इसके बाद कोई प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे इसे सर्च करेंगे, ये नीचे रहेगा। तो आप जैसे ही इसे सर्च करेंगे S3 इमेज अपलोड एंड फेच नोड जेएस, तो ये प्रोजेक्ट आपको दिख जाएगा। इसे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करेंगे और एक डिपेंडेंसी हमें ऐड करना होगा इससे पहले। तो अपने टर्मिनल को क्लोज करके फिर से मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा npm i.env। इस वाले फाइल में मैं अपने क्रेडेंशियल्स को रखूंगा, ओके। तो यहाँ पे npm i.env एंड देन प्रेस एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो .env फाइल है वो, सॉरी डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। अब मैं पैकेज .json फाइल को क्लोज कर देता हूँ
और यहाँ पे हम अपने डॉट ईएनवी को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे एक्सप्रेस को, तो एक्सप्रेस को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने .env को कॉन्फ़िगर कर लिया और अपने एक्सप्रेस को भी इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोग AWS को यूज करेंगे, AWS SDK को यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे const AWS require एंड देन इंपोर्ट AWS SDK। सिमिलरली हम लोग दूसरे पैकेजेस को भी यूज कर लेंगे, तो मल्टर रिक्वायर मल्टर, हमारे पास एक और डिपेंडेंसी था मल्टर S3 का, यहाँ पे लिखेंगे मल्टर S3 रिक्वायर मल्टर S3, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे AWS डॉट config डॉट अपडेट और इसमें हम सारे क्रेडेंशियल्स को रखेंगे, ओके। इससे पहले हम यहाँ पे एक .env का फाइल बना लेते हैं, तो .env होगा और इसके अंदर में हम सारे क्रेडेंशियल को डाल लेते हैं, जैसे कि सीक्रेट की, एक्सेस की, बकेट नेम एंड ऑल। तो सबसे पहले हमारे पास था एक्सेस की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस की। तो एक्सेस की हमने यहाँ पे रखा था, तो इसे हम कॉपी करेंगे और अपने Node.js प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है सीक्रेट की, तो यहाँ पे हम सीक्रेट की को पास कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास बकेट नेम, तो जो बकेट नेम है वो है हमारा रोज खरीदो, ओके। इसी तरीके से एक और होगा हमारे पास रीजन, तो रीजन हमें AWS के सर्वर पे मिलेगा। तो किसी भी फाइल को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको AWS रीजन मिल जाएगा। तो जो रीजन है वो AP-South.1 होगा, जो लास्ट में लिखा होगा। अभी जो रीजन है हमारा AP-South.1 है, आपका जो भी होगा उसे आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और सेव कर लेंगे। फिर index.js में फिर हम अपने index.js में जाते हैं। मैं अपने GitHub प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि सीक्रेट एक्सेस की है, एक्सेस की आईडी है और रीजन है, तो इसे हम कॉपी यहाँ से कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो सीक्रेट की होगा वो हमारे ENV फाइल में है जो हमने अभी रखा है, ओके। तो सीक्रेट की ये होगा हमारा, तो सीक्रेट की को हम लोग यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, ओके। तो हमारा जो नेम है उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसी तरीके से एक्सेस की आईडी है यहाँ पे, तो एक्सेस की हमारा ये वाला है, तो इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसी तरीके से रीजन है हमारे पास, तो रीजन जो है इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये ENV फाइल के अंदर में है, इसलिए हम यहाँ पे process.env.secret की एक्सेस की और रीजन इस तरीके से लिख रहे हैं, ओके। इसके बाद हम फाइल को अपलोड करेंगे, तो फाइल के को अपलोड करने के लिए हम मल्टर का यूज़ करते हैं, तो इस वाले कोड को इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से बकेट नेम तक, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जिसे हमने कॉपी किया है। तो बकेट नेम को हम यहाँ पे डाल लेंगे, तो बकेट नेम हमारा ये है, तो इसे हम कॉपी करेंगे की को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करने के बाद आपको S3 इक्वल्स टू न्यू AWS डॉट S3 करना होगा, ठीक है। इस वाले AWS डॉट S3 को इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज करने के बाद हम अपलोड फाइल का कोड लिखते हैं और यहाँ पे इस वाले S3 को पास करना होगा S3 की जगह पे, और बिट बकेट के नेम पे आपको बकेट का नेम डालना होगा। तो हमारा बिट बकेट का नेम ये है, ठीक है। अगर आपको आपका जो इमेज है उसका जो फाइल नेम है, जो इमेज का फाइल नेम ऑलरेडी है जहाँ से आप उठा रहे हैं सेम रखना है, तो आप ओरिजिनल फाइल नेम लिख सकते हैं। अगर आपको यूनिक नेम चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ओरिजिनल फाइल नेम को यूज कर रहे हैं तो हम इसे यूज कर रहे हैं, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। अगर यूनिक चाहिए तो हम डेट डॉट नाउ से यूनिक नेम जनरेट कर सकते हैं हर इमेज का, लेकिन मैं अभी ओरिजिनल फाइल नेम ही यूज कर रहा हूँ। तो ये अपलोड इमेज का कोड हो गया। इसके बाद हम लोग एक रिक्वेस्ट बनाएंगे पोस्ट का, लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट। तो ये ऐप जो है एक्सप्रेस वाला है। इसके बाद हम लोग पोस्ट मेथड एक बनाएंगे जिसका एंड पॉइंट होगा अपलोड। आप कोई भी एंड पॉइंट बना सकते हैं जैसे कि अपलोड फाइल, इमेज, एनीथिंग, ओके। और यहाँ पे जो सेकेंड पैरामीटर होगा वो होगा अपलोड डॉट सिंगल, और यहाँ पे फाइल का नेम पास करेंगे, ओके, जो हम लोग पोस्टमैन से सेंड करेंगे। तो यहाँ पे फाइल हम लोगों ने पास कर दिया। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन होगा जो कि तीन पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट। और रेस्पॉन्स में हम यहाँ पे एक मैसेज भेज रहे हैं, ओके, सक्सेसफुली अपलोडेड का, और उसी के साथ कॉन्केटिनेट कर दे रहे हैं जो भी फाइल का नेम आ रहा है हमारे पोस्टमैन से, ओके। तो चलिए इसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम पहले पोस्टमैन को ओपन करते हैं, और जो पुराने जो भी डेटा है मैं पहले क्लियर कर ले रहा हूँ, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो पोस्ट मेथड है, जैसा कि यहाँ पे है पोस्ट मेथड है, और जो एंड पॉइंट है वो अपलोड है। एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, वो सर्वर रन जो है कितने पोर्ट पे कर रहा है वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे ऐप डॉट इंसेंट करेंगे और लिखेंगे 3000 या एनी पोर्ट नंबर। आप कोई भी पोर्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं अभी 3000 पोर्ट पे इसे रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3000 लिखता हूँ, ओके। और एंड पॉइंट है हमारा अपलोड। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड था, तो यहाँ लिखेंगे लोकल पोस्ट कॉलन, 3000 पोर्ट पे हमारा रन हो रहा था और जो एंड पॉइंट है वो अपलोड है। फिर बॉडी वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्म डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ये जो हमने फाइल नेम लिखा था इसे इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और फिर ये जो है वो फाइल टाइप का होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे सेंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी इशू आ रहा है, कनेक्टेड एरर रिफ्यूज करके। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो सर्वर है नोड जेएस का वो रन नहीं हो रहा है। तो हम जाएंगे टर्मिनल पे और यहाँ पे लिखेंगे npm start। आप npm start पे जैसे ही लिखेंगे, तो हमने एक चीज मिस कर दिया है, एक्सप्रेस को हमने इंस्टॉल नहीं किया है, ओके। सो हम लोग को ये एरर आ रहा है। तो मैं टर्मिनल को फिर से बंद कर देता हूँ और फिर से एक बार ओपन करता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ npm i express, ओके। तो ये एक्सप्रेस जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम करेंगे npm start। तो देखिए हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम जाएंगे पोस्टमैन पे और अपने API को टेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेंड बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड बटन को क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, द स्पेसिफाइड बकेट डज नॉट एग्जिस्ट।
मतलब जो बकेट का नेम है वो गलत है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या है इसमें। ओके तो ये जो पॉकेट का नेम है वो है रोज खरीदो, जिसमें आर जो है स्मॉल है, और यहाँ देखिए आप कि जो पॉकेट का नेम है उसमें आर जो है कैपिटल है, इसीलिए इशू आ रहा है। तो इसे हम चेंज करके सेव करेंगे, बकेट का नेम जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बकेट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बकेट के बाद जो ये आता है इसको हम लोग बकेट नेम बोलते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा बकेट नेम है, तो बकेट नेम हमने सही कर दिया है। अब मैं सर्वर को क्लोज करके फिर से सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, तो लिखूंगा npm स्टार्ट। तो देखिए हमारा सर्वर रन हो चुका है। मैं फिर से पोस्टमैन पे से चेक करता हूँ, तो सेंड बटन को फिर से मैंने क्लिक किया। तो देखिए हमारा जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, सक्सेसफुली अपलोडेड, और हमारे पास एक URL भी आ चुका है। तो इसे जैसे ही हम क्लिक करेंगे URL को, फिर से हम एक फाइल को अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैं इस वाले फाइल को अभी अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेंड बटन को क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक URL आ चुका है। अब इस वाले URL को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ब्राउजर पे जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए हमारे पास एक फाइल डाउनलोड हुआ है। इसको हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब हम चलते हैं S3 के बकेट पे, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पहले दो फाइल को अपलोड कर रखा था, तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो दो और फाइल ऐड होंगे, क्योंकि हमने दो बार अपलोड किया है फाइल को। तो हम लोग देखिए अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार फाइल होने चाहिए ये। देखिए हमारे पास चार फाइल हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं एक और फाइल को आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, तो इसे मैं हटा देता हूँ और मैं दूसरे फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि इस वाले फाइल को मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो सेंड बटन को मैं दबाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक और URL आ चुका है। अब तो मैं अपने S3 बकेट पे जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए एक और फाइल अपलोड हो गया होगा। तो अभी पाँच फाइल हो गए होंगे यहाँ पे। देखिए हमारे पास फाइल जो है 2.png ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसे हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट URL में हमें URL दिखेगा। इसे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल अपलोड भी हो गया है। ओके, अब हम इसे बैक करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम सारे इमेजेस जितने भी अपलोडेड है S3 बकेट पे, उसे हम पोस्टमैन से एक API बनाएंगे और पोस्टमैन से चेक करेंगे, तो जो API होगा वो सारे के लिस्ट देगा। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने गिटहब पे और देखिए कि एक फंक्शन है हमारे पास लिस्ट का, तो इसे हम कॉपी करेंगे और अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे जाएंगे और index.js फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपलोड वाले पोस्ट मेथड के बाद हम एक लिस्ट वाला एक गेट रिक्वेस्ट बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलिए इसे हम सेव करते हैं, और जो एंड पॉइंट है वो हमारा लिस्ट है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अपलोड की जगह पे लिस्ट लिखेंगे, और जो रिक्वेस्ट है वो गेट है, वहाँ पे नन करेंगे और जस्ट सेंड बटन को क्लिक करेंगे। तो देखिए लिस्ट ऑफ फाइल्स हमारे पास आ जाएंगे, जितने भी AWS के S3 बकेट पे अपलोडेड है वो सारे लिस्ट हमारे पास आ रहे हैं।
ओके, तो इस तरीके से सारे फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं S3 बिट बकेट से। इसी तरीके से अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है या फिर डाउनलोड करना है, तो आप अगर डाउनलोड करना है, पहले हम डाउनलोड करते हैं। ओके, तो इस वाले को हम कॉपी करेंगे और अपने index.js में नीचे जाके पेस्ट करेंगे। ओके, तो हमें जो लास्ट एंड पॉइंट URL जो पास करना है वो होगा हमारा डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद हमें फाइल नेम डालना है। तो फाइल नेम, जिस फाइल नेम का को हम यहाँ पे डालेंगे, वो फाइल नेम से जितनी जो भी फाइल होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं और चलते हैं पोस्टमैन पे, और ये जो है रिक्वेस्ट टाइप गेट है, तो हम गेट यूज करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम को पास करना है। ओके, तो जैसे कि ये हमारा फाइल नेम है, तो हम यहाँ पे स्लैश लगा के पेस्ट करेंगे और इसे कॉपी करेंगे। हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने ब्राउजर पे इसे चेक करते हैं। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, आई थिंक इसमें ना स्पेसेस थे इसलिए काम नहीं कर रहा है। हम दूसरे वाले को चेक करते हैं, तो दूसरे फाइल नेम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसे कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट करते हैं। उसके बाद ये अभी काम नहीं कर रहा है, इसको हम अभी चेक करते हैं। पहले मैं इसे एक डिलीट वाले को भी चेक कर लेता हूँ, जो डिलीट है, डिलीट वाले को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने गिटहब से। तो इसे जस्ट कॉपी करेंगे और जस्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, और ये जो डिलीट है एंड पॉइंट URL, उसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और कोई भी फाइल नेम जैसे कि इस वाले फाइल नेम को हम चूज करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। ओके, और जैसे ही सेंड बटन दबाएंगे, तो इस बार ये वाला जो फाइल है वो डिलीट हो जाना चाहिए S3 बिट बकेट से। तो देखिए हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, मैंने अपने Node.js के फाइल को सेव नहीं किया था इसलिए काम नहीं कर रहा था। ओके, तो फिर से हम चेक करते हैं पहले डाउनलोड वाले को। तो हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, एंड पॉइंट डाउनलोड लिखेंगे और यहाँ पे कोई भी फाइल को, जैसे कि हम यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं स्लाइस के बाद। अब इसे पूरे को कॉपी करके जैसे ही ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे, तो ये जो फाइल है वो डाउनलोड होना चाहिए। तो देखिए ये फाइल जो है हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो मीन्स डाउनलोड वाला जो API वो सही से काम कर रहा है। इसी तरीके से हम चेक करेंगे डिलीट वाले को, तो ये जो हमारा फाइल है ये डिलीट हो जाना चाहिए जब हम इसे हिट करेंगे। तो और यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट को डिलीट सेलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं अपने AWS वाले सर्वर पे और आप इस वाले को रिफ्रेश करेंगे। ओके, इस वाले पेज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फाइल है इसी को हम डिलीट करने जा रहे हैं। ओके, 3853210 81, 3853210 81, ओके, 744। तो इसी फाइल को हम अभी जा रहे हैं डिलीट करने के लिए। तो हम पोस्टमैन से इसे सेंड बटन को हिट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बटन को क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आ गया मैसेज फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। और आप यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो फाइल था वो डिलीट हो चुका है। ओके, वो फाइल हट चुका है वहाँ से। इसी तरीके से अगर आप
दूसरे फाइल को हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फाइल का नेम हम कॉपी करेंगे और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए फाइल जो है वो डिलीट हो चुका है ये फाइल। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे ये हुआ है या नहीं। देखिए वो भी फाइल जो है था वो डिलीट हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमने S3 बिट बकेट पे फाइल को अपलोड करके एक्सेस भी कर लिया है और उसे हम डिलीट भी कर चुके हैं, और जितने भी लिस्ट ऑफ फाइल्स थे S3 बिट बकेट पे उसे हमने एक्सेस भी करना सीख लिया है। ओके।